राजस्थान में इन दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। एक तरफ सचिन पायलट अपनी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। लगातार जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कह रही है कि अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना कमीशन के काम नहीं हो रहा है, पूरा विभाग के अलग अलग विभागों के अधिकारी इसमें लिप्त हैं। बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, वो भी भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अगर किसी भी सरकारी विभाग में काम के लिए जाओ तो बिना कमीशन के काम नहीं होता है। वहीं RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधने में लगे हैं। बहरहाल बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार हो गई है भ्रष्टाचार के मामले, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है। पार्टी के पदाधिकारी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपना एजेंडा भी तैयार कर लिया है। बीजेपी का कहना है भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 4.5 साल राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किए, केवल भ्रष्टाचार चलता रहा, कुर्सी बचाने की लड़ाई चलती रही, इनके अधिकारी जो है लगातार भ्रष्टाचार करते रहे लेकिन जनता को लूटने का काम किया। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है, अब जनता इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट देगी। बीजेपी ने हालांकि मंथन भी कर लिया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CP जोशी, उन्होंने कहा है कि हम हर सप्ताह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, उनके सबूत पेश करेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी कह चुके हैं कि मेरे पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, अगर मेरी रिपोर्ट गलत है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी तो लगातार प्रदर्शन करने में लगी है। 7 जून को राजधानी जयपुर के बीजेपी कार्यालय से सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि बीते दिनों देखने को मिला था योजना भवन की अलमारी में 2 करोड़ से अधिक रुपया मिला था और एक सोने की जो है बिस्कुट मिला था। इसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाने में लगी है और उसी को लेकर 7 जून को एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारियां लगातार बीजेपी जोरों शोरों से करने में लगी है। बीजेपी का तर्क है कि लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जो है भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया कांग्रेस के राज में। योजना भवन में पैसा किस रूट से आया, किस कैसे पहुंचाया गया, इसकी जानकारी अभी तक ACB और पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है। साथ ही साथ उनका कहना है कि भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, इनके अधिकारी, इनके मंत्री इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं। हम लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन जो है कांग्रेस की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा। इस भ्रष्टाचार के मामले में हम चाहते हैं ED और CBI से जाँच कराई जाए। लेकिन वहीं बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं ED को लगातार लिख रहा हूं लेकिन ED आ नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ED को हमारे सामने पत्र लिखे और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।